नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AMU के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं 2020 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से कि इसके जो फॉर्म है वो कब आएंगे एंड इसका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे क्या वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे एंड इसके बारे में जो भी डिटेल है वो हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एंड इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे हो नए हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हायर एजुकेशन की वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एंड ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके फॉर्म आएंगे वो किस में आने वाले हैं, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म ये फिल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होना है, एग्ज़ाम आपका होगा ऑफलाइन में। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन मोड में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम टाइप, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, जैसे कि इसमें UG एंड PG प्रोग्राम के लिए आपके एग्ज़ाम होंगे एंड कौन कौन से प्रोग्राम के लिए है जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, किस किस फैकल्टी के अंदर है, जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड सोशल साइंस, इन सब के लिए जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, बात करें नंबर ऑफ़ फैकल्टी की, तो यहाँ पे करीब 13 फैकल्टीज़ अवेलेबल है एंड यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे 88 डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल आपको इसके अंदर बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, यानी कि जो आपके फॉरम है वो कब तक आएंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें ये बताई कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, सॉरी ऑफलाइन मोड में होगा, बट जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे वो ऑनलाइन मोड में आएंगे, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, एंड किन किन कोर्स के लिए जो है आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे वो आपके होंगे फरवरी फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे एंड जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की एंड फीस जमा करवाने की, ठीक है, वो होगी आपकी लास्ट वीक फरवरी एंड फर्स्ट वीक मार्च, यानी कि ये फरवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे और जो है मार्च फर्स्ट वीक तक जो है इसकी लास्ट डेट रह सकती है एप्लीकेशन फॉर्म की। ओके, फिर देखिए लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर BSc होनर्स एग्रीकल्चर, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो भी जो है मार्च फर्स्ट वीक ही रहेगी। ठीक है, एंड इसकी जो देखिए लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस, यानी कि लेट फीस आपकी कब तक इसमें जमा होगी, तो सेकेंड वीक मार्च तक, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है नहीं जमा करा पाओ यहाँ पे, तो लास्ट जो लेट फीस होती है उसके रिगार्डिंग आप जो है सेकेंड वीक मार्च तक जो है ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज़ हो जाएंगे, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो लास्ट वीक मार्च तक जो है यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एंड जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है कंडक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपकी आंसर की यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी, तो आपकी जो आंसर की है वो सेकेंड वीक अप्रैल में की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आंसर की भी जो है आपकी काफ़ी जल्दी यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद देखिए रिपोर्ट, अगर जैसे कि आपकी आंसर की वगैरह आ जाएगी, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो जो रिजल्ट आपका यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा वो करीब जून में किया जाएगा, यानी कि जून लास्ट वीक इसके अंदर आप मान लीजिएगा रिजल्ट, क्योंकि काफ़ी बार जो है लेट भी हो जाता है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जून लास्ट तक जो है इसका रिजल्ट आ सकता है। कट ऑफ भी जो है जुलाई फर्स्ट वीक तक जो इसकी फर्स्ट कट ऑफ जो रिलीज़ होगी वो रिलीज़ की जा सकती है। काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी आपकी वो जुलाई सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकती है।
दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। आप इसके अंदर और डिटेल्स इसके अंदर देख सकते हो किन किन प्रोग्राम के लिए जो है ये कंडक्ट यहाँ पे होगा। देखिए जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में यदि देखें तो एमए हिंदी के लिए, ठीक है, एंड साइंस में आप देख सकते हो एमएससी मैथमेटिक्स है, ठीक है, और जियोलॉजी भी है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब के लिए है, पॉलिटिकल साइंस सभी के लिए है। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। लाइफ साइंस काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट है जो नॉर्मली लोग लेते हैं और ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पे सभी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था सब कुछ इसके अंदर। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के रिगार्डिंग जो इसका सिलेबस है वो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगी। 24 घंटे के बाद जो है वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप रिटर्न विजिट करें और वहाँ से जो है इस यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 24 घंटे के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों।